हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स पे आते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो सारा इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में ही पढ़ा था। एनिमल हस्बेंड्री की, जो एनिमल्स को रेयरिंग की जाती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, वो एनिमल हस्बेंड्री हुआ। क्रॉप हुआ, क्रॉप क्या होता है, एक ही तरह के प्लांट जब उगाए जाते हैं उन्हें लार्ज स्केल, तो उसको क्रॉप बोलते हैं। फर्टिलाइज़र क्या हुआ, फर्टिलाइज़र भाई केमिकल है जो डाला जाता है सॉइल में ताकि उसके जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल सके प्रॉपर। ग्रैनरीज हैं, स्टोरेज फैसिलिटी होगी ग्रेन्स को रखने के लिए। हार्वेस्टिंग हो गया, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसको कट करते हैं, तो हार्वेस्टिंग है। इरिगेशन मीन्स क्रॉप्स में जो पानी दिया जाता है उसको इरिगेशन बोलते हैं। खरीफ क्रॉप होती है हमारी, जब रेनी सीजन में जो करते हैं वो खरीफ क्रॉप है। मैन्योर कौन क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक जो है काउ डंग और ये सब जो डिकम्पोज होके जो बनता है, दैट इज़ मैन्योर। प्लो हो गया मीन्स लेवलिंग करना, उसको जो फील्ड है उसको लेवल करना। रबी क्रॉप्स होगी जो उगती हैं जो आपकी विंटर सीजन में, अक्टूबर से लेकर आगे तक। सीड्स हैं, सीड्स होते हैं जो भी उनको ग्रो करके ही प्लांट्स बनते हैं। सिलो भी एक तरह की स्टोरेज फैसिलिटी है। सोइंग मीन्स जो सीड्स को डालते हैं मिट्टी में उसको सोइंग बोला जाता है। स्टोरेज तो स्टोरेज ही हो गया कि जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके रखना एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो ख़राब ना हो। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग मीन्स उसमें से सीड्स को अलग करना एंड वी मतलब उसको एक तरह से मारना, ऐसे पटक पटक के मारते हैं या ऊपर से वो चलाते हैं कुछ हैवी जिससे वो अलग हो जाए। एंड वीड्स हो गए, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप में वो वीड्स हैं। वीडिसाइड हो गई, कोई केमिकल जो सिर्फ वीड्स को इफेक्ट करता है, वीड्स को किल करता है। विनोइंग, विनोइंग हो गया कि जो हमने थ्रेशिंग के बाद जो मिक्सचर बन गया सीड और शेफ का, तो उसको अलग अलग करना इज़ विनोइंग। तो तेज़ हवा के आगे उसको जब डालते हैं तो जो शेफ है वो दूर जाके गिरेगा और जो सीड्स हैं वो वहीं गिर जाएंगे, तो अलग अलग हमें मिल जाएगा शेफ और सीड्स। अब आते हैं समरी पे कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे अगर हमने पॉपुलेशन को फीड करना है तो कुछ प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ सेम प्लेस, एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो एक जगह पे काफ़ी लार्ज एरिया पे जब एक ही प्लांट उगाया जाता है तो उसको क्रॉप बोलते हैं। इंडिया में क्रॉप्स दो तरह की होती हैं, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टाइलिंग एंड लेवलिंग। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉइल को लेवल किया जाता है टाइलिंग और लेवलिंग से, प्लोज को यूज़ करके या लेवलर्स को यूज़ करके। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंसेस गिव्स गुड यील्ड। ठीक है, तो सीड्स जो है उनको एक गुड डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया जाता है। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। तो हेल्दी सीड्स को चूज़ किया जाता है। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स, तो सीड ड्रिल्स से सोइंग की जाती है। सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद सॉइल को भाई प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए सॉइल में, तो उसको मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डाल जाते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं और उनका यूज़ पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ चुका है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो पानी जो दिया जाता है टाइम टू टाइम उसको इरिगेशन बोलते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। तो जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं वहाँ पे वो वीड होते हैं एंड उसको वीड आउट किया जाता है, निकाला जाता है। हार्वेस्टिंग मीन्स प्लांट जब मेच्योर हो गए तो उसको कट करना, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। देन सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है, मतलब जैसे प्लांट को वो कर रहे हैं हम, क्रॉप्स उगा रहे हैं, वैसे ही एनिमल्स को अगर रेयरिंग की जाती है फूड के लिए तो उसको एनिमल हस्बेंड्री टर्म दी जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स है।
तो ए में दिया है और द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप. तो फर्स्ट का क्या हो गया, क्रॉप. बी में क्या है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल. तो क्रॉप उगाने से पहले पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. तो बी का आंसर क्या है, प्रिपरेशन. सी है डैमेज सीड वुड डैश ऑन द वाटर. डैमेज सीड क्या करेंगे, वाटर पे फ्लोट करते हैं. डी है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर रिक्वायर्ड. सनलाइट के साथ साथ सॉइल से क्या चाहिए उनको, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो डी में आ गया वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को. तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है भाई, जो सर्दियों बारिशों में उगाई जाती है, दैट मीन्स पैडी एंड मेज. रबी क्रॉप्स कौन सी होंगी, सर्दियों में उगाई जाती हैं, जो वीट ग्राम एंड पी. केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके होंगे यूरिया सुपर फॉस्फेट. ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होगा, एनिमल एक्सक्रीटा काउ डंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. तो ये हो गया. नाउ आते हैं हम गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप. हमने भी अभी ऊपर पढ़ा है, खरीफ क्रॉप है पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप है वीट ग्राम एंड पी. विच राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स. तो इन पे आप एक पैराग्राफ पूरा लिख सकते हैं. ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा है चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाती है, ठीक है, प्लो से लेवलर से सोइंग की जाती है, फिर एक प्रॉपर डेप्थ पे और डिस्टेंसेस पे सो करा जाता है. तो उसके लिए थ्रेशर यूज़ करते हैं आजकल. तो वीडिंग मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना इज वीडिंग. तो हैंड से किया जाता है, और कब किया जाता है, जब उसके फ्लावर और सीड बनने से पहले किया जाता है. थ्रेशिंग मीन्स सीड्स को और उसको शेफ को अलग करना, दैट इज़ थ्रेशिंग. एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. तो भाई फर्टिलाइज़र तो आपके केमिकल्स हैं, मैन्योर आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे बनता है मैन्योर, ठीक है. तो फर्टिलाइजर्स आपके पूरे केमिकल हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर है. और इन द लॉन्ग रन फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं होते सॉइल के लिए. मैन्योर तो भाई अच्छा ही करेंगे सॉइल के लिए, जितना मर्जी डाल लो, ठीक है. तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फर्टिलाइजर्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं, मैन्योर्स में थोड़े कम होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर्स को लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बट ऐसा नहीं है. तो इस तरह से आप ये एग्जांपल्स दे सकते हो. और यूरिया वगैरह हो गया फर्टिलाइजर में, मैन्योर तो आपका नेचुरली है, ठीक है. इरिगेशन क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स पे क्रॉप में पानी देना, मतलब टाइम टू टाइम, तो उसको इरिगेशन बोलते हैं. डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर. ड्रिप इरिगेशन होता है एक तो आपका, और एक में आप करते हो जो ऊपर हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, ड्रिप इरिगेशन था, और एक जहाँ पे नोजल यूज़ करते हैं. तो वो दोनों आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न व्हाट वुड हैपन. अगर वीट को खरीफ सीज़न में लगा देंगे तो क्या होगा भाई, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको विंटर थोड़ी सी ठंड वाला सीज़न चाहिए होता है. गर्मी में वो ख़राब ही हो जाएगा, सीड्स ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड. तो अगर बार बार कंटिन्यू उसको करते रहेंगे, उगाते रहेंगे प्लांट्स को, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे. उसको यूज़ करने रिप्लेनिश करने के लिए लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली सॉइल को बंजर ही बनाएंगे. अगर ओवर 20 साल 30 साल तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऐसा टाइम आएगा वो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होना, मतलब न्यूट्रिएंट्स देना बंद कर देंगे सॉइल को, वो इतनी ख़राब हो जाएगी, सॉइल की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाएगी. व्हाट आर वीड्स. तो वीड्स हो गए जो भी इन अनवांटेड प्लांट हैं, उनको वीड बोला जाता है. और कैसे कंट्रोल किया जाता है भाई, तो उसको रिमूव ही किया जाता है अगर वहाँ पे उग गए हैं. पहली बात तो जब सोइंग करेंगे तब देखते हैं कि भाई जो हम सीड्स डाल रहे हैं वहाँ पे कोई दूसरी तरह के सीड्स तो नहीं है उनके साथ. अब जब वो ग्रो हो गए एक बार, तो उसको हाथ से रिमूव किया जाता है मैन्युअली, या फिर वीडिसाइड्स आते हैं वो केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, तो उनको अच्छे से स्प्रे करना चाहिए. अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लोइंग द फील्ड किया जाता है. प्लो करेंगे फील्ड को
या प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्लोइंग ऑफ द फील्ड, तो ये दोनों स्टेप्स आ जाएंगे आपके। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन प्लोइंग द फील्ड। उसके बाद क्या करते हैं, सोइंग करेंगे, सो करेंगे, फिर मैन्योरिंग की जाती है, फिर इरिगेशन आया, फिर हार्वेस्टिंग एंड देन सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इस पजल में हमने वर्ड्स भरने हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो फर्स्ट हो गया इरिगेशन। सेकंड क्या है, कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, तो स्टोरेज हो गया। थर्ड है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैन्योर क्रॉप, मैच्योर्ड क्रॉप को हार्वेस्टर यूज़ करते हैं उसके लिए। एंड रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस ग्राम। एंड सिक्स्थ है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ, तो वो विनोइंग है, ठीक है। तो सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज, तो फिफ्थ इज क्रॉप। तो ये एक्सटेंडिंग लर्निंग और एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट, अगर आप क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डेफिनेटली इनको भी करना चाहिए, करके देखना चाहिए, आपकी लर्निंग बहुत ही लंबे समय तक रहेगी अगर आप ऐसे करके देखते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स। तो उसके बाद है ये एग्जांपल ऑफ फील्ड ट्रिप वर्क, कि आप अगर फील्ड ट्रिप पे कहीं जाते हैं तो क्या क्या किस तरह के आपको सवाल पूछने चाहिए, उसका यहाँ पे सैम्पल दे रखा है। तो ये हो गया है। तो नेक्स्ट आते हैं भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज़। तो मेज़ हमारा के लिए कौन सी टेम्परेचर, कौन सी कंडीशन हमें नहीं चाहिए। तो ये पैडी के साथ ग्रो किया जाता है मेज़, तो ये मतलब कि रेनी सीजन में ग्रो करते हैं इसको। तो कौन सी कंडीशन नहीं चाहिए हमें, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल तीनों चाहिए होएंगी हमें। सी जो लो टेम्परेचर है वो नहीं चाहिए। लो टेम्परेचर किसके लिए चाहिए होगा, जो सर्दियों में क्रॉप्स उगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर होगा लो टेम्परेचर। प्रोपगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग, प्रोपगेशन ऑफ जिंजर को किस तरह उगाया जाता है, जिंजर भाई एक स्टेम है तो उसकी जो स्टेम है उसको यूज़ करके ही हम उगाते हैं। तो दैट इज़ बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, स्टेम। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इट एनहेंसेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सही है ये तो। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, ये भी सही है। इट इम्प्रूव्स टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, तो टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है भाई, ह्यूमस भी दे रहा है, तो ये बी होगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे नहीं होते, कुछ कुछ लैकिंग रह जाता है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को प्रेफर करते हैं। तो थर्ड का जो है बी ऑप्शन होगा। फोर्थ है द टर्म यूज फॉर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शेफ, ग्रेन्स को शेफ से जो रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेशन वो कौन सा होता है, विनोइंग बोला जाता है उसको। मीन्स देखो जब अलग कर रहे हैं, वो थ्रेशिंग हो गया जब उसको सीड्स को निकाल रहे हैं हम, दैट इज़ थ्रेशिंग। सेपरेट जब करेंगे वो विनोइंग के मेथड से होता है, कि जो हवा से, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा फोर्थ का। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, फिफ्थ क्वेश्चन में है, दे रखे हैं हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं चार, और हमने बताना है कि चूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स विच इंडिकेट द नीड टू इरीगेट क्रॉप्स। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट हैं जो नीड, जिनसे पता चल रहा है कि इरीगेशन करनी है। तो फर्स्ट है सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है भाई, सीड्स को चाहिए मॉइस्चर इसलिए इरीगेशन करनी पड़ेगी। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिसॉल्व फॉर्म, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स वो डिसॉल्व फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं इसलिए भी इरीगेशन करनी पड़ेगी। इरीगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड एयर करंट्स, तो इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर तो पता नहीं, बट फर्स्ट सेकंड जो थर्ड है तीनों इन ये स्टेटमेंट सही है, दैट दे शो कि इरिगेशन वहाँ करनी पड़ेगी, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड फ्रॉम द फील्ड, वीड को रिमूव करने के लिए, तो अगर खुद हाथ से रिमूव करा तो एक से यूज़ करेगा सी, ठीक है, या हो भी यूज़ कर सकते हैं,
बट आई थिंक एक से आएगा अगर आप हैंड से ही कर रहे हो और हो। आई थिंक सिक्स का ए ऑप्शन होगा। सेवन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स, क्या सही नहीं है फर्टिलाइजर्स के लिए। दे इंक्रीज द यील्ड, ये तो ठीक है। दे एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ये भी ठीक है। दे आर जनरली यूज इन स्मॉल क्वान्टिटी, दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो कहीं से भी नहीं है, तो डी ऑप्शन है। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स, तो एट्थ में दे रखा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स, तो हमें कॉम्बिनेशन सही बताना है कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली नहीं है। दे है कम्पीट, ये भी सही है। दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स एंड दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये भी सही है। तो थर्ड फोर्थ तो है ही। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, तो क्या इंटरफेयर करेंगे भाई, वो तो कट रहा है तो आराम से कट ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, दैट मीन सी ऑप्शन आएगा आपका एट्थ का। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, तो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को क्या बोला जाता है, टाइलिंग एंड प्लोइंग, सी ऑप्शन है। द मानसून सीजन इन आर कंट्री, मानसून सीजन कब होता है भाई, जून टू सेप्टेम्बर होता है, बी ऑप्शन। द सिस्टम ऑफ इरीगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट ऑफ द प्लांट, तो उसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। जो नोजल वाला है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड गिव रीजन फॉर इट, तो कौन सा यहाँ पे ऑड वन आउट है, प्लो, सीड ड्रिल, हो, चेन पंप, सिकल, तो आई थिंक प्लो हो गया, चेन पंप थोड़ा ऑड वन लग रहा है मुझे यहाँ पे, पंप किस काम आ रहा है, तो बाकी सब तो हमारे या हम इसको बोल सकते हैं सिकल यहाँ पे होगा कि ये पुराने टाइम में यूज़ करते हैं, बाकी आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो सिकल है वो होगा, ऑड वन आउट। इफ़ यू आर गिवन अ ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, वट विल यू डू बिफोर सोइंग द सीड्स, तो अगर ड्राई लैंड है तो पहले उसकी इरीगेशन करेंगे, उसके बाद कुछ लेवलिंग वगैरह या कुछ भी करी जाएगी। स्टेट ट्रू और फॉल्स बताने हैं। यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज़ द ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई यील्ड, गुड क्वालिटी सीड है क्राइटेरिया बट ओनली क्राइटेरिया नहीं है, तो ये फॉल्स है। ग्रो इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया बोल सकते हैं आप। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स इन द सेम फील्ड विल डिप्लीट द सॉइल ऑफ न्यूट्रंस, अगर अलग अलग क्रॉप्स उग रही हैं तो वो ठीक रहता है सॉइल के लिए, ठीक है, कि एक बार आपने लेग्यूम्स उगा दी, एक बार कुछ और उगाया, तो दैट इज़ गुड फॉर द सॉइल, तो भी फॉल्स है। ऑल क्रॉप प्लांट्स आर सोन एज सीड्स इन द फील्ड, तो सभी क्रॉप्स जो है सीड्स के तरीके नहीं उगाए जाते, कई स्टेम्स यूज़ करते हैं, कईयों में रूट्स यूज़ करते हैं, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। सेल्स ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स फिक्स नाइट्रोजन, तो ये सही है क्योंकि उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। फ्रेशली हार्वेस्टेड सेल्स ऑफ रूट लेग्यूम्स, तो ये गलत है, सेल्स ऑफ रूट नोड्यूल्स नहीं करते भाई, वहाँ बैक्टीरिया होता है तो वो करता है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी ट्राइड बिफोर स्टोरिंग, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं 15th पे। ड्यूरिंग विच मंथ्स डू फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया, मस्टर्ड कब उगती है भाई, मस्टर्ड भी सर्दियों में ही उगती है और वही अक्टूबर के टाइम पे इसको ग्रो किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। विच एक्टिविटी ऑफ द फार्मर कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स इन द फील्ड, तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स की कैसे बढ़ेंगे सॉइल के अंदर, तो जितना ज़्यादा आप मैन्योर यूज़ करोगे उतने ज़्यादा अर्थवर्म और माइक्रोब्स वहाँ पे होंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बीरा जो है वांट्स टू प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन इन हिज फील्ड, तो सजेस्ट राबी क्रॉप एंड अ खरीफ क्रॉप विच विल रिप्लेनिश हिज फील्ड विद नाइट्रोजन, तो राबी भाई
या तो मेज उगा सकता है वो खरीफ के टाइम पे, और रबी के टाइम पे ग्राम उगा सकता है, तो उससे नाइट्रोजन वहाँ पे रिप्लेनिश हो जाएगी, क्योंकि उनके रूट्स में जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो एयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रिएंट में और जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट को हमने कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो भाई कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ करते हैं हम? तो सबसे पहले आगे सिकल, सिकल किसके लिए यूज़ करा हमने? तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए करेंगे, तो फिर फोर्थ का तो डी हो गया। सीड ड्रिल भाई सोइंग के लिए यूज़ करेंगे, तो थर्ड का हो गया बी। ठीक है, अब आगे हम हमारे पास बचा है प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग सिकल से करते हैं, मतलब जब हैंड से काटेंगे, और हो के लिए आप प्लोइंग हो के लिए कर सकते हो। वट आर ऑर्गेनिक फूड्स? आजकल ऑर्गेनिक फूड्स का बहुत फंडा चल रहा है, तो ऑर्गेनिक फूड्स वही फूड्स हैं जहाँ पे हमने क्रॉप को उगाते टाइम फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया है। तो ऐसे क्रॉप से जो फूड प्रोड्यूस होता है उसको ऑर्गेनिक फूड बोला जाता है। तो ये पज़ल यहाँ पे दे रखा है, और इसमें हमने 8 ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो कि फार्मर्स फ्रेंड्स हैं, चाहे वो लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी हो सकते हैं। तो आप जैसे मैन्योर हो गया वो ढूंढ सकते हैं, अर्थवर्म ढूंढ सकते हैं, ठीक है, अर्थवर्म ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेम द टूल यूज्ड विच विद अ ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड ड्रिल होता है 21 का ये सीड ड्रिल। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टूल? तो उससे क्या होगा, एक तो जो सीड है वो एक गुड ठीक डेप्थ और ठीक डिस्टेंसेस पे ग्रो होते हैं एक दूसरे से, एंड और क्या होती है कि भाई जो सीड है उसके ऊपर पीछे पीछे मिट्टी गिरती चली जाती है, तो जो बर्ड्स हैं या और भी उनको उठा नहीं पाते, वहाँ से सीड से एक्सपोज नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम द प्रैक्टिस फॉलोड फॉर लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ द फार्म एनिमल्स। उसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। व्हाट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू फार्म एनिमल्स? भाई उनके रहने की खाने की सारी अरेंजमेंट्स वहाँ पे की जाती हैं, प्रॉपर उनका स्टे अच्छे से हो सके वो। क्लासीफाई द फॉलोइंग क्रॉप्स इंटू खरीफ एंड रबी क्रॉप्स एंड राइट इन द टेबुलर कॉलम। तो खरीफ कौन सी होगी? मेज, पैडी, ये खरीफ में आएगी। मस्टर्ड, पी, ग्राम, बी, टी, रबी में आएंगे हमारे ग्राउंड नट, आई थिंक ग्राउंड नट, कॉटन भी रबी में ही आता है भाई। कॉटन इज इन द खरीफ, कॉटन गर्मियों में उगता है कॉटन, और नॉट, यस गर्मियों में ही उगता है। तो ग्राउंड नट आपका रबी में आ जाएगा, वीट रबी में आएगा, ग्राम रबी में आएगा, मस्टर्ड रबी में आएगा, मेज पैडी आपके खरीफ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस अ फार्मर्स क्रॉप फेल्ड टू गिव गुड यील्ड। तो क्लाइमेट ठीक था लेकिन फिर भी क्रॉप फेल हो गई, तो क्या रीज़न हो सकते हैं भाई? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वहाँ पे। हो सकता है उसने जो सीड्स चूज़ किए वही हेल्दी नहीं थे, ठीक है। दूसरा हो सकता है उसने प्लोइंग वगैरह अच्छे से नहीं की, या पानी ठीक से नहीं दिया, या फिर हो सकता है मेन्योरिंग नहीं करी सही तरीके से, या वहाँ पे कोई वीड्स इतने आ गए कि उन्होंने उनको ग्रो ही नहीं करने दिया प्लांट्स को, ठीक है, या फिर जो सोइंग की गई थी प्लांट्स की वो अच्छे से नहीं हुई और एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स डल गए, तो उससे भी ठीक नहीं होती ग्रोथ। तो ये इतने सारे रीज़न हो सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ इको फ्रेंडली एक्टिविटीज स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू रेज अ किचन गार्डन। तो किचन गार्डन हमने बनाना है, तो कुछ मटेरियल दिया गया उन्हें। लिस्ट द अदर मटेरियल्स यू वुड रिक्वायर, हाउ वुड यू प्लान द गार्डन? तो किस तरह से आपने करना है वो स्टेप्स आप लिख सकते हो भाई, कि पहले आप सोए जो गार्डन का एरिया है उसको आप पहले लेबलिंग करोगे, फिर भाई उसके अंदर सीड्स लगाओगे जो जो लगाने हैं आपने, ठीक है, और उसके बाद मैन्योरिंग वगैरह करोगे, फिर इरिगेशन, एंड देन वो सब आप बता सकते हो।
यू हैव बीन आस्ड टू यूज़ ओनली इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल, तो आपने कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं करना है, मैन्योर आप यूज़ करेंगे. पैडी इज़ अ मेजर सीरियल क्रॉप इन आवर कंट्री, इन विच सीज़न पैडी इज़ कल्टिवेटेड, तो उस रेनी सीजन में कल्टिवेट की जाती है. किस तरह से मेथड सोइंग क्या है, यहाँ पे सीड्स यूज़ नहीं करते हम, नर्सरी से उसके प्लांटलेट्स छोटे छोटे प्लांट्स वो लेके आते हैं और उनको फिर हैंड से वहाँ पे लगाया जाता है फार्म में. व्हाट मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट स्पॉयलेज एंड इंसेक्ट अटैक ऑन हार्वेस्टेड ग्रेन्स, तो भाई उनको अच्छे से ड्राई करके फिर स्टोर करना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर रहे हैं तो प्रॉपर वहाँ पे कंडीशंस होनी चाहिए. अनस्क्रैम्बल द वर्ड, तो इनको हमने अनस्क्रैम्बल करना है और देखना है क्या वर्ड बनेंगे. तो फर्स्ट में तो सीलोज है, थर्ड आपका थर्ड इरिगेशन है, और फोर्थ रिवर है. सेकेंड को भी देखते हैं क्या है. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है भाई, कन्वर्सेशन हो रही है दो फार्मर्स की, हीरा एंड बीरा की. तो हमने बताना है कि कौन सी प्रैक्टिस एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, जो वीडिसाइड का यूज़ ये बता रहे हैं वो सही नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि भाई केमिकल है वो एक तरह से, और लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है बिल्कुल भी. सेकंड क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, उनसे क्या हो जाता है भाई, टाइम और लेबर दोनों सेव होता है, काम जल्दी हो जाता है और इफेक्टिवली हो जाता है. नेम वन वीडिसाइड, तो ये 2,4-D एक वीडिसाइड है शायद वो. और प्रिकॉशन क्या होते हैं भाई, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है केमिकल, तो अपने माउथ को अच्छे से कवर करना चाहिए. फॉर डिस्कशन है कि भाई डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज, आवर कंट्री स्टिल हैज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गोइंग हंगरी एंड मॉल न्यूट्रिशन, डू यू थिंक एन एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू दिस, डिस्कस इन द क्लास व्हाट एल्स नीड टू बी डन टू रूट आउट हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन. तो भाई क्रॉप प्रोडक्शन तो ठीक है, प्रोडक्शन तो हो गया, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है उसको स्टोरेज करना अच्छे से, ताकि ख़राब ना हो उसका एक भी दाना, और डिस्ट्रीब्यूशन कि जो बना है, कितना अनाज जो है हर साल ख़राब होता है बिकॉज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज सही नहीं है या क्या है, तो उसको टाइमली जहाँ पे नीड होती है वहाँ तक भिजवाना, दैट इज़ आल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर गिवन बिलो, रीअरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, टिलिंग एंड प्लोइंग, उसके बाद क्या करेंगे सोइंग, देन मैन्योरिंग, देन इरिगेशन, देन डीवीडिंग एंड देन हार्वेस्टिंग. ठीक है जी, तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी. थैंक यू फ्रेंड्स.